यूपी में लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा रही है। इसी बीच लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। उन्होंने यादवों की ताकत का एहसास करने की बात कहते हुए एक परिवार ने यादव की राजनीति की और वोट बैंक हथियाया ये कहा, लेकिन उनके लिए आखिरकार क्या किया गया, यानी कि यादवों के लिए क्या हुआ, ये सवाल अब पूछे जाने की जरूरत है। यादवों को सनातनी बताते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि यादवों के वोट बैंक पर अपना कब्जा मानकर चलने वाले लोगों को सोचना होगा, जवाब देना होगा, उन्हें अब संदेश देने की जरूरत है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जारी लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के भी उन्होंने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। भगवान राम के आधार पर राम राज्य चलाने की कामना कल्पना हजारों साल से हमारी संस्कृति में रही है। सुशासन की संस्कृति राम राज्य से ही आती है, ऐसा हम सबकी मान्यता है। लेकिन वर्षों तक जो वोट के सौदागर है, इन वोट के सौदागरों ने हमारे आराध्य के स्थान पर मंदिर का विरोध किया था, हमको भूलना नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है, और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है